नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे रियल में पीसीसी के बारे में। जी हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं कि विदेश आपको जाना है, आपको तो ये सुनना होता है भैया दो चार कंट्री की पीसीसी की जरूरत पड़ती है, और गूगल पे भी मैंने सर्च किया तो 18 कंट्री की पीसीसी के बारे में बताया गया है। अब पीसीसी की अगर बात करें तो बता दूं भाई, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है जिसमें आपको वीज़ा लेने के लिए आपको एक पुलिस आपके नियर पुलिस स्टेशन है वहाँ से एक पीसीसी लेना होता है, जिसमें लिखा होता है भैया इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, आप इसको वीज़ा दे सकते हैं या ये वहाँ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं करेगा। तो पीसीसी से रिलेटेड कितने देशों के लिए पीसीसी वैलिड होता है, कितने देशों के लिए पीसीसी मांगी जाती है, पीसीसी क्या बनता है, इससे रिलेटेड और सरकार के कितने झूठ हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ बताऊंगा कि भैया झूठ क्या है, पीसीसी से रिलेटेड झूठ की सच्चाई मैं बताने वाला हूं। वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि हर रोज नई अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले यह बात कर लेते हैं, एक गूगल का एक क्वेश्चन है कि पीसीसी के लिए कितने देशों के लिए पीसीसी की आवश्यकता है। तो यहां देख सकते हैं यह मंजूरी केवल तभी आवश्यक है जब आप भारतीय रोजगार के लिए किसी देश में जा रहे हो या अन्य उद्देश्य के लिए नहीं। यह 17 देश हैं। जी हां, आपको 17 देश आपको दिखाई देंगे यहां पे। 17 देशों में अफगानिस्तान, बहरीन, इराक, इंडोनेशिया, सऊदी अरब साम्राज्य, कुवैत, जॉर्डन, लीबिया, लेबनान, मलेशिया, ओमान, कतर, सूडान, सीरिया, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, यमन, इन देशों में अगर आप जाते हैं वर्क परमिट से तो आपको पीसीसी लेना जरूरी है। लेकिन इसके अलावा भी आपको बहुत सारी डिटेल जानना चाहिए जो आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। ये सच नहीं है, सच और है, मैं बताता हूँ। तो थोड़ा सा यहाँ पे गौर करने की बात है, कितने देशों को पीसीसी की आवश्यकता हो सकती है, पीसीसी के लिए कौन कौन से देशों में लागू हैं, किस देश में पीसीसी होना जरूरी नहीं है, पीसीसी की आवश्यकता क्यों है, कनाडा स्टूडेंट वीजा के लिए पीसीसी क्या जरूरी है, क्या स्थानीय पुलिस स्टेशन से पीसीसी बनवाना वैध है, पीसीसी कितने महीने तक वैध है, विदेश जाने के लिए पीसीसी क्या होता है, पीसीसी की फीस कितनी होती है, किस देश में पीसीसी। आप देख सकते हैं कनाडा स्टूडेंट के लिए, जबकि कनाडा का भाई हमने स्टार्टिंग में दिखाया तो कनाडा के लिए पीसीसी का कोई नियम नहीं दिखा रखा था। भारत में पीसीसी प्राप्त करने में कितना समय लग जाता है, पीसीसी की फीस, और ऑस्ट्रेलिया में भारतीय पीसीसी प्राप्त करने में कितना टाइम लग जाता है। यहाँ पे कुछ वर्ड आपको ये समझ में आया होगा, और भी बहुत सारी डिटेल यहाँ पे है, मैं आपको दिखाऊंगा कि वैसे देखा जाए तो सरकार ये बोलती है, आप सबको भी पता है कि भैया जो मैंने 18-17 कंट्री बताई हैं उसी में पीसीसी की जरूरत पड़ती है। लेकिन यकीन मानिए पीसीसी अगर आप यूरोप देशों में जाते हैं, यूरोप देश का वीजा अप्लाई करते हैं तो सब देश पीसीसी मांगते हैं, जबकि भाई अपने नियम के हिसाब से कानून में तो ये बात लिखी नहीं है। सब जगह आप देखोगे, मैंने जो आपको स्क्रीनशॉट फर्स्ट में दिखाया था ना, ये गूगल पे सर्च करोगे कि पीसीसी कौन से देशों के लिए चाहिए तो वो 17-18 कंट्री आएंगे जिसमें लगभग ये एशियन कंट्री हैं, बाकी गल्फ कंट्रीज हैं, ठीक है जी, उसमें यूरोप का कोई नाम नहीं आता। तो भाई यूरोप का नाम नहीं आता तो कनाडा में पीसीसी की जरूरी लोग सर्च क्यों करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में सर्च क्यों करते हैं, और अमेरिका जाने के लिए पीसीसी की जरूरत क्यों पड़ती है। बहुत सारे देशों के लिए जितने भी यूरोप से रिलेटेड या अलग कंट्रीज हैं यूरोप के अलावा, सब के सब लोग पीसीसी मांगते हैं। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि सब चीज़ गूगल पे जो लिखी होती है ना वो सत्य नहीं है। अब वो पीसीसी का तरीका ये नहीं होता कि आप इन देशों में जो खाड़ी देश है वहाँ पे आप जॉब के लिए जा रहे हैं, अब यहाँ पे लिखा है कि दुबई के लिए, यूनाइटेड इमरेट्स, तो दुबई के लिए तो भाई पीसीसी की जरूरत ही नहीं पड़ती है, लोग बिना पीसीसी जाते हैं, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि पीसीसी की जरूरत पड़ती है। बहुत सारे कहने का मतलब है कि सब कुछ तो दिखता है ना, जरूरी नहीं वो सत्य हो। यहाँ पे आपके सवालों के जवाब मैं दे देता हूँ, इसमें किन देशों को पीसीसी की आवश्यकता नहीं है। तो भाई देखिए, सऊदी अरबिया को पीसीसी की जरूरत नहीं है, पहले स्टार्ट किया था लेकिन अभी जरूरत नहीं है, दुबई के लिए भी जरूरत नहीं है, बाकी ये मान लो सब देशों के लिए पीसीसी मांगते हैं। सिंगापुर भी जाओगे तो आपको पीसीसी देना पड़ेगा वर्क परमिट वीज़ा में, अगर आप जाते हैं तो लगभग 80% देशों में पीसीसी मांगी जाती है, 20% कंट्री ऐसी हैं जिसमें पीसीसी की जरूरत नहीं होती। पीसीसी की आवश्यकता क्यों है भाई? पीसीसी की आवश्यकता इसलिए होता है कि कोई भी देश ये चाहता है कि भाई इंडियन आदमी अगर हमारे देश में आ रहे हैं तो वो कितने सही हैं, उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, वो यहाँ के आके तो बदमाशी गुंडागर्दी तो नहीं करेंगे, यानी साफ सुथरा रिकॉर्ड का बंदा है तो वहाँ पे उनको कोई दिक्कत नहीं करेगा। पीसीसी का मतलब यही है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मांगा जाता है। पीसीसी कितने महीने तक वैध है? पीसीसी भाई 6 महीने तक वैध है, आप कहीं से भी अगर बनाते हैं तो 6 महीने तक आप उसी पीसीसी से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, 6 महीने तक वो एक बार बनवा लोगे वैलिड रहेगी। क्या स्थानीय पुलिस स्टेशन से पीसीसी वैध है? बिल्कुल, आप पासपोर्ट ऑफिस से अप्लाई करोगे, स्थानीय आपका जो पुलिस स्टेशन है वहीं से आपकी पीसीसी बन के आएगी। पीसीसी की फीस कितनी है? तो भाई देखिए, गवर्नमेंट फीस मात्र 500 आरएस है, 500 आरएस में आपका काम बन जाता है, बाकी 100-200 ऊपर मान सकते हैं, इतनी फीस लगती है। कनाडा में स्टूडेंट के लिए पीसीसी होना जरूरी है? बिल्कुल भाई, पीसीसी मांगते हैं, पीसीसी होना जरूरी है। स्थानीय पुलिस स्टेशन से पीसीसी बिल्कुल लीगल है, आप बनवा सकते हैं। भारत में पीसीसी प्राप्त करने का टाइम कितना है? मात्र 5-6 दिन लग जाता है, बाकी 24 घंटे में भी कई बार मिल सकता है। पीसीसी को भारत में कितना समय लगता है? 5-7 दिन लगता है। ऑस्ट्रेलिया में पीसीसी प्राप्त करने में कितना समय लगता है? कंडीशन पे डिपेंड करता है, 5-7-10 दिन में पीसीसी, आप कहीं किसी भी देश में रहते हैं और वहाँ अगर आपको इंडियन पीसीसी की जरूरत पड़ती है तो आपको इंडियन काउंसलेट है वहाँ कॉन्टैक्ट करना पड़ता है, फिर आपके संबंधित पुलिस स्टेशन से जाके थोड़ा टाइम लग जाता है लेकिन बन जाती है। तो आपको मेन मकसद बताना ये था कि भैया पीसीसी सब देशों में मांगते हैं। गूगल पे मैंने सर्च किया, सिर्फ 17-18 कंट्री आई थी जो मैंने आपको फर्स्ट में बताई थी, बाकी नहीं बताया गया था।
जबकि आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई करते हैं, न्यूजीलैंड का, ऑस्ट्रेलिया का, या फिर अमेरिका, यूके का, किसी भी देश का, सिंगापुर का भी वीज़ा अप्लाई करोगे ना, रशिया का भी करोगे, तो भाई आपसे पीसीसी मांगी जाती है वर्क परमिट वीज़ा में, विजिट में भी मांगी जाती है, परमिट में भी मांगी जाती है। और फिर भी कोई डाउट हो तो आप सवाल कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उस पर डिस्कस हम करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।